प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडिया मैथ 365 में। बेटा इससे पहले हमने जो आपका 8th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी। ये आपका नया चैप्टर रहेगा और हम ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बेटा हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपका चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इसका फर्स्ट सम करते हैं। देखिए बेटा जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट सम जो इसका होगा वो क्या है, आइडेंटिटी द टर्म्स देयर कोफिशेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये टोटली जो है ये एक्सप्रेशन है। हमने इसमें ये बताना है कि इसमें टर्म क्या होगी और सेकंड क्या बताना है हमने, इसमें कोफिशेंट क्या होंगे। देखिए बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है बेटा फर्स्ट सम हम कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन गिवन है, वो क्या है बेटा, वो हमें गिवन है क्या, 5xyz का स्क्वायर -3zy। ये हमारे पास कंप्लीट क्या है बेटा, इस कंप्लीट इसको क्या बोला जाएगा, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं बेटा। अब क्या करेंगे हम, इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास टर्म क्या है, टर्म्स हमारे पास क्या है बेटा, इसमें हमारे पास टू टर्म्स है, कौन सी है बेटा, एक हमारे पास 5xyz का स्क्वायर और सेकंड कौन सी है बेटा, सेकंड हमारे पास रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, -3zy। ये हमारे पास क्या है बेटा, टर्म्स है। कोफिशेंट्स हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, कोफिशेंट क्या रहेगा बेटा, देखिए कोफिशेंट ऑफ 5xyz का स्क्वायर, हमने ये बताना है कि कोफिशेंट क्या होगा 5xyz के स्क्वायर का, इज 5। क्या रहेगा बेटा, जो हमारे पास काउंटिंग होगी वो क्या रहेगी, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, दो टर्म्स हैं हमारे पास, टर्म में हमारे पास क्या है 5, क्या है हमारे पास कोफिशेंट है, ये हमारे पास जो काउंटिंग होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा कोफिशेंट रहेगा। इसी तरह क्या होगा बेटा, कोफिशेंट ऑफ -3zy, -3zy का क्या रहेगा कोफिशेंट बेटा, इज क्या रहेगा, -3। क्या रहेगा बेटा, -3। मेरे को लगता है बेटा आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा बेटा। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है बेटा, हमारे पास 1+x+x² ये हमारे पास कंप्लीट क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है। अब हम राइट आउट करेंगे कि हमारे पास टर्म क्या है, टर्म्स है हमारे पास एक क्या है बेटा 1xx², ये हमारे पास क्या है बेटा टर्म्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशेंट देखिए, कोफिशेंट ऑफ, देखिए बेटा ये x क्या है, अकेला है, अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या रहेगा, x ही रहेगा। इसी तरह हम इसमें क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर को, तो क्या रहेगा, वो x स्क्वायर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशेंट क्या रहेंगे हमारे पास 1, 1 और 1। अब हम क्या राइट आउट करेंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज 1, क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, क्या गिवन है, गिवन एक्सप्रेशन 4x² y² - 4x² y² z² + z² ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है। टर्म क्या रहेगी, टर्म्स हमारे पास रहेगी बेटा 4x² y², सेकेंड टर्म क्या रहेगी बेटा
माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस प्लस नहीं बेटा, थर्ड क्या रहेगी जेड का स्क्वेयर। अब हम क्या राइट आउट करेंगे, कोफिशेंट ऑफ ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज फोर। नेक्स्ट क्या रहेगा, कोफिशेंट ऑफ ऑफ माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज माइनस फोर। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, कोफिशेंट ऑफ ऑफ जेड स्क्वेयर इज वन। ये क्या है बेटा, ये हमें पता लग गया है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है और कोफिशेंट क्या होता है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट का क्या है हमारे पास, थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। हमें क्या बताना है बेटा कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या रहेगा, कोफिशेंट क्या रहेगा। देखिए एक्सप्रेशन हमें गिवन है थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। यह हमारे पास क्या है बेटा, एक एक्सप्रेशन है। हमारे पास टर्म क्या रहेगी, टर्म क्या रहेगी थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। यह हमारे पास क्या रहेगी बेटा, टर्म्स रहेगी। कोफिशेंट क्या होंगे, कोफिशेंट क्या होंगे बेटा, कोफिशेंट रहेंगे हमारे पास, कोफिशेंट ऑफ ऑफ माइनस पी क्यू इज माइनस वन। कोफिशेंट ऑफ ऑफ क्यू आर इज वन। कोफिशेंट ऑफ ऑफ माइनस आर पी इज माइनस वन। हमें ये पता लग गया है बेटा एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्म क्या होंगे और कोफिशेंट्स क्या रहेंगे। आइए इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं कैसे होगा। एक्सप्रेशन हमें गिवन है x बाय टू प्लस y बाय टू माइनस x बाय। ये क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है, टर्म्स क्या रहेगी बेटा x बाय टू y बाय टू और माइनस x बाय। ये क्या रहेगी बेटा, टर्म्स रहेगी। अब हम कोफिशेंट राइट आउट कर सकते हैं, कोफिशेंट ऑफ ऑफ x बाय टू इज वन बाय टू। नेक्स्ट कोफिशेंट ऑफ y बाय टू इज वन बाय टू। नेक्स्ट कोफिशेंट ऑफ माइनस एक्स वाई इज माइनस वन। इसी तरह इसका सिक्स पार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। यह हमारे पास क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है। हम क्या राइट आउट करेंगे इसकी टर्म्स, टर्म्स क्या रहेगी बेटा हमारे पास, 0.3a माइनस 0.6ab 0.5b। यह हमारे पास क्या है, टर्म्स। अब हम कोफिशेंट्स देखते हैं, कोफिशेंट ऑफ 0.3a इज 0.3। कोफिशेंट ऑफ ऑफ माइनस 0.6ab इज माइनस 0.6। कोफिशेंट ऑफ ऑफ 0.5b इज 0.5। यह हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, ये कोफिशेंट, टर्म्स और एक्सप्रेशन, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशेंट क्या है, टर्म क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका सेकंड सम देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड सम है, क्लासिफाई द फ्लोविंग पोलोनोमियल एज ए मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्रीनोमियल्स विच पोलोनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरी। बेटा हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इनमें से जो हमारे पास नीचे पोलोनोमियल्स गिवन है
या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन गिवन है, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है और ट्रीनोमियल्स है। बेटा देखिए कैसे होगा, अगर हमारे पास सबसे पहले ये करते हैं x प्लस वाई, इसमें क्या है बेटा, इसमें हमारे पास टू टर्म्स है, क्या है बेटा टू टर्म्स है। फर्स्ट सम में हम कर चुके हैं कि टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, अगर आपने फर्स्ट सम नहीं देखा है तो पहले बेटा फर्स्ट सम देख लें कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है टू टर्म्स गिवन है। अब हम क्या राइट आउट करेंगे इन इन एक्स प्लस वाई, अगर बेटा टर्म अगर बेटा क्या है एक है तो वो क्या होगी मोनोनोमियल, अगर टर्म दो है तो वो क्या होगा बाइनोमियल, अगर टर्म बेटा तीन है थ्री है तो क्या वो होगी ट्रीनोमियल। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट इसका क्या है बेटा, हमारे पास क्या है 1000, और ये क्या है 1000 इज ए वन टर्म, सो इट इज मोनोनोमियल। इसका थर्ड क्या रहेगा बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की फोर। अब क्या है बेटा इन दिस एक्सप्रेशन हैव फोर टर्म, सो इट इज नॉट फिट एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। क्या है बेटा, हमने सिर्फ ये बताना है कि मोनोनोमियल्स क्या होगी, बाइनोमियल्स क्या होगी, ट्रीनोमियल्स क्या होगी। अगर इससे ज्यादा हमारे पास, इससे लार्ज हमारे पास टर्म है तो हम उससे क्या राइट आउट करेंगे कि ये है, ये जो पोलोनोमियल्स है वो हमारे कैटेगरी में फिट नहीं है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट करेंगे बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 7 प्लस वाई प्लस 5 एक्स, क्या राइट आउट करेंगे इन विच थ्री थ्री टर्म, सो इट इज ए ट्रीनोमियल। इसी तरह बेटा इसका फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ क्या है 2y माइनस 3y स्क्वायर, क्या राइट आउट करेंगे इन विच टू टर्म, सो इट इज बाइनोमियल। इसी तरह बेटा इसका सिक्स पार्ट करेंगे, क्या है हमारे पास 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब इन विच थ्री टर्म्स, सो इट इज ट्राइनोमियल। इसी तरह बेटा इसका सेवंथ होगा, सेवंथ क्या रहेगा बेटा 5x माइनस 4y प्लस 3xy इन विच थ्री टर्म्स, सो इट इज ए ट्राइनोमियल। इसी तरह बेटा इसका एट क्या है हमारे पास 4z माइनस 15z स्क्वायर, क्या करेंगे इन विच टू टर्म, सो इट इज बाइनोमियल्स। इसी तरह इसका नाइन्थ करेंगे बेटा, क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्या राइट आउट करेंगे इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, सो इट इज नॉट फिट इन दीज कैटेगरी।
इसी तरह बेटा इसका टेन रहेगा, क्या है पी क्यू आर इन विच वन टर्म सो इट इज मोनोनोमियल। इसी तरह बेटा इसका इलेवन रहेगा पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू स्केयर, क्या राइट आउट करेंगे इन विच टू टर्म सो इट इज ए बायनोमियल। इसी तरह बेटा इसका ट्वेल्व करेंगे, क्या है टू पी प्लस टू क्यू, क्या रहेगा इन विच टू टर्म सो इट इज बायनोमियल। इसी तरह बेटा ये सेकेंड सम कंप्लीट होता है, आइए इसका नेक्स्ट सम देखते हैं कैसे होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका थर्ड सम है एट द फ्लोविंग। हमें क्या करना है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इनको ऐड करना है। एक्सप्रेशन मीन्स बेटा जो ये हमें टर्म्स गिवन है इनको हमने क्या करना है ऐड करना है। जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ए बी माइनस बी सी, एक्सप्रेशन बी सी माइनस सी ए, एक्सप्रेशन सी ए माइनस ए बी, इसे क्या करना है ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए बेटा, हमारे पास गिवन क्या है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। हम सबसे पहले क्या राइट आउट करेंगे बेटा ए बी माइनस बी सी। अब हम क्या करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन पर चलेंगे, यहाँ क्या राइट आउट है बेटा बी सी माइनस सी ए। बी सी क्या है बेटा, बी सी जो हमारे ये टर्म है इसके नीचे हम राइट आउट करेंगे क्या बी सी माइनस सी ए। इसी तरह हम थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ क्या है बेटा सी ए माइनस ए बी, माइनस ए बी है तो हम क्या करेंगे बेटा ये जो हमारे टर्म ए बी है इसके नीचे राइट आउट करेंगे माइनस ए बी। अब क्या करेंगे बेटा ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे देखो बेटा ये क्या है प्लस का ए बी और ये क्या है माइनस का ए बी, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे बेटा देखो, अगर प्लस का टू है और माइनस का टू है वो क्या हो जाएगा जीरो। इसी तरह हम क्या करेंगे ये राइट आउट कर देंगे कि ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा जीरो, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह बी सी माइनस का और प्लस का बी सी है और ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस जीरो। इसी तरह ये क्या हो जाएगा बेटा ऐड करने पे सी ए माइनस का और सी ए प्लस ये जीरो, ये आपका क्या आ चुका है बेटा आंसर आ चुका है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा a माइनस बी प्लस ए बी। एक्सप्रेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है बेटा b माइनस सी प्लस बी सी, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है बेटा c माइनस ए प्लस ए सी। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट आउट कर देते हैं a माइनस बी प्लस ए बी। नेक्स्ट क्या है सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है बेटा b माइनस सी प्लस ए बी, सी माइन बी माइनस सी प्लस बी सी। हम क्या करेंगे b के जो नीचे क्या राइट आउट करेंगे b प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी। इसी तरह क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस ए प्लस ए सी, क्या करेंगे C के नीचे राइट आउट कर देते हैं प्लस का C माइनस का A प्लस A C, इसे बेटा ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देखो बेटा ये प्लस का है ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस ये माइनस का प्लस का, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस A B as it is, ये जीरो प्लस B C as it is प्लस ए सी। हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा क्या रहेगा बेटा ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा
थर्ड पार्ट क्या है थर्ड सम का, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर, सेकेंड एक्सप्रेशन है फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले हम राइट आउट कर देते हैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर। अब क्या करेंगे बेटा, फाइव प्लस फाइव सेवन पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे बेटा क्या आएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस फोर पी क्यू प्लस नाइन। ये हमारा क्या रहेगा बेटा आंसर, क्या किया हमने, माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा बेटा। माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि जो माइनस की टर्म है वो क्या है, लार्ज है इसीलिए। इसी तरह इस सम में सेकंड में यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस थ्री पी क्यू है प्लस का सेवन पी क्यू है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का फोर पी क्यू आएगा। फोर क्यों आएगा बेटा, क्योंकि फोर सेवन पी क्यू वो लार्ज टर्म है किससे, माइनस थ्री पी क्यू से। इसी तरह बेटा फोर प्लस फाइव क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकेंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड एक्सप्रेशन, ये फोर्थ एक्सप्रेशन, ये क्या है बेटा फोर्थ एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे आइए देखिए, क्या है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है बेटा, एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या है बेटा फोर्थ, प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ऐड कर देंगे बेटा क्या आएगा, टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। यह हमारा क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। इसी प्रकार आपको ऐड करना आ गया है। नेक्स्ट फोर्थ सम देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फोर्थ का ए है क्या है, सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे बेटा, जो फ्रॉम है फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसे पहले राइट आउट करेंगे। ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन राइट आउट करेंगे, फोर ए माइनस सेवन ए बी प्लस थ्री बी प्लस ट्वेल्व। अब क्या करेंगे बेटा, जो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टर्म जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाली टर्म जो लोअर टर्म है वो प्लस वाली नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब कैसे करेंगे देखिए बेटा, ट्वेल्व ए में से फोर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, एट ए। नाइन ए बी में से ऐड कर देते हैं सेवन ए बी, क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी। माइन प्लस का फाइव बी है और प्लस का माइनस का थ्री बी है, क्या हो जाएगा प्लस टू बी। माइनस का थ्री है माइनस का ट्वेल्व है, क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह बेटा इसका सेकंड बी पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन राइट आउट कर लेते हैं, क्या है फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस टेन एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाले ही एक्सप्रेशन राइट आउट करते हैं, क्या है थ्री एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस
सेवन माइनस सेवन जेड एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। इसका बी पार्ट कैसे होगा देखो बेटा, क्या गिवन है, फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड। इसी तरह हम ये राइट आउट करेंगे, थ्री एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस सेवन जेड एक्स, राइट आउट कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे, जो लोअर टर्म लोअर एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। क्या आ जाएगा बेटा, फाइव एक्स वाई में से थ्री एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा टू एक्स वाई, माइनस का टू वाई जेड है और माइनस का ही क्या है फाइव वाई जेड है, क्या हो जाएगा माइनस सेवन वाई जेड। अगर बेटा साइन एक जैसे होते हैं तो ऐड हो जाता है, जो लार्ज टर्म के साथ जो लार्ज डिजिट है उसके साथ जो साइन होता है वो राइट आउट किया जाता है। इसी तरह क्या होगा बेटा, सेवन जेड एक्स पॉजिटिव है, टू जेड एक्स नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का फाइव जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड एस टी। इसी तरह बेटा इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सी क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम राइट आउट करेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाली एक्सप्रेशन राइट आउट कर देते हैं, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, 4p स्क्वायर q स्क्वायर क्या है बेटा, 4p स्क्वायर q क्या है, प्लस 4p स्क्वायर q, फिर क्या है बेटा माइनस 3pq माइनस 3pq माइनस 3pq, फिर क्या है बेटा प्लस 5pq स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 5pq स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 8p माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ये क्या हो गया बेटा राइट आउट हो गया। हमने क्या करना है, जो टर्म है उस टर्म के साथ एज इट इज टर्म राइट आउट करनी है। जैसे अगर 3p है तो डाउन लोअर में हमने क्या किया है, नीचे हमने माइनस 8p ही राइट आउट किया है, टर्म के नीचे टर्म आनी चाहिए बेटा, एक जैसी टर्म हो उसी को उसी के नीचे ही टर्म राइट आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, उसके पास सब्ट्रैक्ट राइट आउट है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, आप अच्छी तरह जानते हो, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा बेटा 10 प्लस 18 क्या हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा 8p में से 3p सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 5p माइनस 7q माइनस 11q क्या हो जाएगा माइनस का 18q प्लस का 5pq है प्लस का 3pq है क्या हो जाएगा प्लस 8pq माइनस का 2pq स्क्वायर है और माइनस का ही 5pq स्क्वायर है, ऐड करने पे क्या आ जाएगा माइनस का 7pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यों है माइनस 4p स्क्वायर क्यों है क्या आ जाएगा प्लस p स्क्वायर। ये हमारा क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बेटा एक्सरसाइज जो आपकी 9.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। अगर आपको किसी भी सम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।